मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा फॉलोअर्स को सुबह सुबह एक अलर्टनेस देने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। प्लीज यहां पे सिर्फ आपको यह ध्यान देना है कि कल मैं मार्केट का तेजी का ही बात किया था, अभी भी वही तेजी का ही बात करूंगा। कल मैं आप लोगों को जो निफ्टी का कॉल दिया था, वो कॉल 27 फरवरी का कॉल दिया था, जो कि 45 में दिया था और अभी क्लोजिंग आप देख पा रहे हैं 53। तो इसके ऊपर अगर सुबह सुबह मौका मिलता है, बहुत ज्यादा गैप डाउन नहीं होता है, तो आप एक बार एग्जिट हो जाए। अदरवाइज इसके ऊपर बहुत ज्यादा डरने वाली बात अभी नहीं है, लेकिन जो हमें एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से संकेत मिल रहा है वो आप देख पा रहे हैं, जो 45 पॉइंट्स डाउन, ओके 45 पॉइंट डाउन, तो इसका एक हल्का नेगेटिव असर मार्केट में पड़ सकता है और वो नेगेटिव असर कहां तक जा सकता है। बस यही अलर्टनेस देने के लिए मैं ये सुबह का 2 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, इसको आपको हेल्प मिलना चाहिए। देखिए, अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्टली लेवल जो होगा आपको, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कल का एक बार लो बनाया था, ये लो, सेकेंड लो जो है वो 12,050 तक का, ओके 12,050 तक का, ये दोनों स्टेप आपको ध्यान देना है। इस स्टेप के पास आने के बाद अगर 12,050 तक शायद ना आए, तो 12,060 के आसपास भी आ जाए तो यहाँ से जब एक बाउंस बैक आएगा, ओके जब यहाँ से बाउंस बैक आएगा तब आपको बाइंग पोजिशन बनाना चाहिए। अगर आपको सेल के लिए मौका देता है, आई थिंक आपको सेल के लिए बहुत ज्यादा मौका नहीं देगा, आपको इंतजार करना है जो हमें बाइंग के लिए कब सही टाइम बन रहा है। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों का पोस्ट करता रहूंगा जहां पे आपको सही लेवल बनेगा। और साथ में दूसरा जो अलर्टनेस है बैंक निफ्टी के लिए, वो बैंक निफ्टी के लिए मैं देखता हूं जो कौन सी लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी, एक मिनट दोस्तों, जो मैं कल रात को टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को कुछ कॉल दिया था, उस कॉल के ऊपर फ्रेंड्स का कॉल आ रहा है जिसके ऊपर क्या करें, तो उसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा। वो मैं जस्ट होमवर्क कर रहा था और उसके ऊपर मैं टेलीग्राम चैनल पर आज दिन में कॉल दूंगा। आपने पहले से पोजिशन नहीं बना के रखना है, ओके। देखिये, बैंक निफ्टी का जो स्थिति देख रहा हूं, ये आपको 30,720 शायद इस लेवल तक नीचे आ सकता है, 30,720 इस लेवल तक नीचे आ सकता है इस लेवल तक, और यहाँ पे आए और यहां से अगर बाउंस बैक का कोशिश कर रहा है उस टाइम पे आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनाना है, ओके। ओवरऑल अगर इंटर डे का चार्ट देखे, यहाँ पे अगर डे का चार्ट देखे तो डे के चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेड कैंडल के साथ ओपन हुआ था, तो सिर्फ आपको ये देखना है अगर ग्रीन कैंडल के साथ ओपन होता है मार्केट, मतलब गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो आपको कल का जो पोजीशन मैं दिया था उसमें से एक बार एग्जिट होना चाहते हैं तो एग्जिट हो सकते हो। अदरवाइज आपको इंतजार करना है जो मार्केट एक सस्टेनेबल पॉइंट, सबसे पहले तो हल्का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आपको 12,230-40 के आसपास, इस लेवल के आसपास, ओके। अगर यहां तक आज जाता है, ठीक है दोस्त, यहां तक आज जाता है तो यहां पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अदरवाइज अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन के बाद आपको मार्केट को बाउंस बैक होने का इंतजार करना है 10 से 15 मिनट। बाउंस बैक अगर आता है तो वहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए, ओके दोस्त। तो आई थिंक ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्प आएगा। और जो मैं टेलीग्राम चैनल दिखा रहा हूँ, देखिये मेरा टेलीग्राम चैनल पे कल रात को मैं ये 3-4 कॉल दिया था, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, सिप्ला एंड एच आई एल में पॉजिटिवनेस आ जाए तो बहुत अच्छा खासा यहाँ से ऊपर और चल सकते हैं। आपने देख पा रहे होंगे 2-3 दिन से कितने बुरी तरह से गिरा था, और ऐसे गिरा है तो अगले 2-3 दिन में फिर बढ़ने का उम्मीद भी रखता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपका आज का ट्रेडिंग सेशन में कुछ हद तक हेल्प करेगा। अगर आप सोच रहे हैं हाँ हेल्प करेगा, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जो आपको सही लगे वो लिखिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन अगर नहीं दबाए तो आपको ऐसे ऐसे अलर्टनेस वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। तो बेल आइकन दबाना ना दबाना आपके ऊपर है। थैंक यू दोस्त, बाय।